नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको सुबह के आलस्य को दूर करने के लिए कुछ अभ्यास बताएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सुबह उठने में बहुत अधिक आलस्य आता है। सुबह उठने में आलसी आने के अनेकों कारण होते हैं। रात को अच्छी नींद न आ पाने के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण या नेगेटिव थिंकिंग होने के कारण, हीन भावना के कारण भी हमें सुबह उठने में आलसी आता है। इसके अलावा ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग के कारण भी शरीर में आलसी रहता है। दोस्तों, इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक बना सकते हैं। और यह अभ्यास आपको नियमित क्रिया के लिए आपके शरीर में अधिक स्टेमिना प्रदान करते हैं कि जिससे कि आप दिन भर अधिक सक्रिय होकर कार्य करने लगते हैं। आइए देखते हैं कि सुबह के आलस्य को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सुबह के आलस्य को दूर करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी आरामदायक आसन पर, जिसमें आप आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हो, ऐसे बैठ जाते हैं। और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे हथेलियों को ऊपर की तरफ कर देंगे। सांस अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपने अपने शरीर को ऐसे राइट साइड मोड़ना है, कुछ देर होल्ड करके रखना है, फिर सेंटर में आते हैं। इसके बाद लेफ्ट साइड ऐसे अपने शरीर को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, श्वास अंदर भरते हुए सेंटर में आते हैं और अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप चारों तरफ से प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारे शरीर से आलस्य दूर होता है और यह अभ्यास हमारे शरीर से थकान को भी दूर करता है। पीछे की तरफ स्ट्रेस करते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, सुबह के आलस्य को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शशांक आसन। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे आगे से जितना आप फैला सकते हैं ऐसे फैला लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में आपकी दोनों आंखें खुली रहेंगी। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही से आप अप डाउन करते हुए 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे धीरे धीरे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने माथे को ऐसे जमीन पर लगा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस दौरान आपने अपनी दोनों आंखों को खुला रखना है और ऐसे सेंटर में आते हैं। ये आप अर्ध शीर्षासना को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रखते हुए सबसे पहले इस प्रणाम आसन की पोजीशन पर आते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। इस स्थिति में आप अपनी दोनों आंखों को खोलकर रखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। यह अभ्यास सुबह के आलस्य को दूर करने के सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती है। दोस्तों, सुबह के आलस्य को दूर करने के लिए आप लिजर्ड पोज को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करें। हमारे शरीर की स्ट्रेचिंग को खोलता है और हमारे शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाता है। सबसे पहले ऐसे ही वज्रासना की पोजिशन पर आपने बैठ जाना है, फिर आपने ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजिशन पर ऐसे आना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं और फिर इसके बाद अपने पैर को ऐसे अपनी हथेली के पास लाते हुए दूसरे पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हैं या फिर अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और सीधे देखते हैं या फिर अपनी कोहनी को भी अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर लगाने का प्रयत्न करते हैं या अपने पैर को घुटने को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, फिर इसके बाद आप ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद ऐसे ही अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए।
ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे एक आरामदायक के लिए ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, या फिर अपनी कोहनी को भी ऐसे जमीन पर ऐसे रख सकते हैं, अपने हाथ को ऐसे अपने पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर अपने सिर को भी ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर इसके बाहर आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों ऐसे ही सभी अभ्यास को पैर बदलकर आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।